वंशीविभूषितकरान् नवनीरदाबत् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम अहम् न जानी कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम अहम् न जानी स्वस्ति श्री गणेशाय नमः श्री सरस्वतीयै नमः श्री गुरुभ्यो नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत् नमस्ते शारदे देवी प्रदे वसत्वं मम जिवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः ॐ नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि श्रीकृष्णाख्यं दाम विश्वसर्गविसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यम्बरं दामजगद्दामनमामतत् स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवदारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्गयते गिरिं यत्कृपा त्वमहम वन्दे परमानन्दनमाधवम् कृष्ण कन्हैया लाल जय भक्त वत्सल भगवान की जय वृंदावन विहारी लाल की जय भागवत भगवान की जय भागवत भक्त भगवान की जय भगवान श्रीरामकृष्ण देव की जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण 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 सर्वप्रथम हम पूज्यपाद भवनंजी महाराज के चरणों में हमारे पूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज के चरणों में हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं उपस्थित पूज्यपाद सेवानंद जी महाराज एवं पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज सह सभी सन्यासी महात्माओं एवं विरक्तों के चरणों में हमारे हृदयपूर्वक के प्रणाम निवेदित करते हैं जो कोई भी इस दृश्य श्राव्य माध्यम से इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है उन सबके हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म ब्रह्म परमात्मा को मुहूर् मुहूर् वंदन करके आइए भागवत रसामृत में हम अवगाहन करें नारायण 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 यं ब्रव्रजन्तमनुबेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि नरायण नारायण हम परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणार विंद में बैठ करके हमारे मनमोहन हमारे प्राण प्रिय भगवान श्री कृष्ण की लीला में अवगाहन करें देखिए दृश्य निर्माण हुआ है द्वारिका का पर्यंक पर बुदेव ब्राह्मण देवता सोए हुए हैं और श्री कृष्ण उनकी चरण सेवा कर रहे हैं और बुदेव ब्राह्मण माता रुक्मणि का संदेश सुना रहे हैं बुदेव ब्राह्मण माता रुक्मणि का संदेश माता रुक्मणि ने जो कहा है वो अक्षर सह कह रहे हैं कल हमने श्लोक का चिंतन किया था उनचालीसवा श्लोक तन्मे भृत्तपतिरंगजाया आत्माश्च्र विभो विदे मीर बागम विमर्शतु चैद्य आराद गोमा बलिम्बुजाक्ष देखिए कल हमने विस्तृत रूप से देखने का प्रयास किया था महात्माओं ने इस अद्भुत श्लोक के अंदर में अनेकों अर्थ प्रकट किए हैं यहाँ पर भगवान ने कहा है भगवान को कहा गया है ब्राह्मण देवता कहता है अम्बुजाक्ष एक संबोधन किया मृगपति के रूप में कहा गया और माता रुक्मणी यहाँ पर कहती है गोमा युवन मृगपतिर् बुजाक्ष अब देखिए कल हमारा ये बलि शब्द का अर्थ समझाना रह गया था आइए उसके बाद वाले श्लोक में प्रवेश करने से पहले ये बलि शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास कर ले माता रुकमणी कहती है प्रभु मैं आपकी बलि बन चुकी हूँ गुणार्थ में प्रवेश करें इस शब्द के तो देखिए भागवत में बलि राजा का आख्यान आता है आप सब लोग बलि राजा के आख्यान से अवगत हैं भगवान वामन देव ने बलि राजा का तीनों लोक का राज्य छीन लिया है हम उस प्रसंग के अंदर में नहीं जाएंगे उस प्रसंग में जो अंतिम कड़ी है उसका इस शब्द से संगति लगानी है भगवान वामनदेव राजा के वहाँ जाते हैं बहुत सुंदर प्रसंग है और राजा के पास जाकर के कहते हैं राजा जब ऐसे सुंदर तेजस्वी देदीप्यमान ब्राह्मण को देखते हैं बली राजा और विंध्यावली जो उनकी भारिया थी भगवान के चरणों में वंदन करते हैं बली राजा कहते महाराज मैंने अनेक ब्राह्मणों की सेवा की है पूजन किया है लेकिन आपके जैसा तेजस्वी ब्राह्मण आज तक मैंने देखा नहीं है आप हमारे यज्ञ में पधारे हैं हमारा जीवन कृतार्थ हुआ हम आपकी क्या सेवा कर सके महाराज आप जो कहेंगे वो हम देने के लिए तैयार है महाराज आप कुछ आप संकोच मत कीजिए आपके मन में जो भी हो इच्छा वो प्रकट कीजिए मैं प्रहलाद के वंश का हूं आप जो मांगेंगे वो मैं दे दूंगा और वामन देव ने कहा कि राजन मुझे खाली तीन पांव भर जमीन दे दो बलि राजा कहते महाराज मेरे यहां जो कोई आता है मांगता है मैं उसे देता हूं उसके बाद उसको दूसरे दूसरे के पास जाकर मांगना नहीं पड़ता है तीन पांव भर जमीन मांगने से आपका क्या होगा आप तीन हजार गांव मांग लीजिए भगवान कहते हैं वामन देव राजन मुझे केवल तीन पाम भर जमीन चाहिए विंध्यावली और बली राजा कहते महाराज आप संकोच मत कीजिए आप ब्राह्मण हैं पूजनीय है, है वंदनीय है आप जो मांगेंगे वो दे देंगे शुक्राचार्य को पता चल गया है शुक्राचार्य कहते हैं पली राजा को राजन तुम्हें मालूम नहीं है कौन है स्वयं विष्णु ब्राह्मण का छदमवेश धारण करके आया है तुम उनको कुछ मत दो तुम्हारा सर्वस्व वो लूट लेंगे बली राजा की भक्ति देखिए हम तो बलिहार हो जाते प्रसंग पर बलि राजा कहते हैं महाराज आज तक तो मैं उनको ब्राह्मण जानता था लेकिन जब आप कह रहे कि तो साक्षात विष्णु है महाराज वो जो मांगेंगे वो मैं दे दूंगा मैं वैष्णव हूं मैंने तुलसी की कंठी पहनी है मेरे गले में वैष्णव का नियम है जिसमें भी वो तुलसी अर्पण कर देते हैं तुलसी पत्र अर्पण हो जाता है वो कृष्णार्पण हो जाता है मैंने गले में तुलसी की माला पहनी है मैं कृष्णार्पण हो चुका हूं अब तक तो मैं उनको ब्राह्मण समझता था जब आप कहते कि साक्षात विष्णु आए हैं, अब वो जो मांगेंगे वो मैं दे दूंगा शुक्राचार्य संकल्प नहीं करवाते हैं बलि राजा वामन देव को कहते महाराज ब्राह्मण देवता आप संकल्प करवाइए आप ब्राह्मण हैं। संकल्प किया और बली राजा ने संकल्प किया कि तीन पांव भर की जमीन में आपको देता हूं भगवान ने दो पांव के अंदर में तो उसका त्रिलोकी का राज्य ले लिया है एक पाँव में स्वर्ग का ले लिया दूसरे पाँव में भूलोक एवं लोक का राज्य ले लिया अब भगवान क्रोधित तो होते हैं बलि राजा को कहते बलि, अब तुम्हारे पास बचा क्या है जो तुम मुझे दे पाओगे अब तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है भगवान क्रोधित तो हो रहे हैं। बली राजा आपको समझ में नहीं आया पहले क्या हो गया बलि राजा देखते भगवान वामन देव का विराट स्वरूप बलि राजा विंध्यावली के साथ भगवान के चरणार विद में गिर जाते विंध्यावली बाएं बा में भगवान को वंदन कर रही है बलि राजा दाहिने पाओ में वंदन कर रहे हैं विंध्यावली भगवान को प्रार्थना करती है प्रभु हमारा अहंकार हुआ है हमें क्षमा कीजिए हम कुछ देने के लिए लायक नहीं या असमर्थ है प्रभु हम हमारी अज्ञानता के कारण सोच रहे थे कि हम किसी को कुछ दे पा रहे हैं प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं भगवान क्रुद्ध हुए हैं हम कथा के विस्तृतिकरण में नहीं जा रहे हैं जो मुझे तात्पर्य सुनाना है भगवान क्रोधित तो होकर के बलुराजा को भगवान ने वरुणास्त्र से बांध दिया है वामन देव क्रोधित तो होते हैं क्षमा कीजिए वामन देव क्रोधित तो होकर के राजा को वरुणास्त्र से बांध देते हैं भगवान बांधने जाते हैं तो सोचिए राजा का त्रिलोकी का राज्य था मूल भागवत में आप पढ़िए राजा की पूरी सेना और सेनापति सब लोग टूटने जा रहे हैं वामन देव के ऊपर में राजा ने एक एक योद्धा का सेनापति का नाम लेकर के पुकारा है खबरदार कोई कुछ भी करा किया है तो किसी ने ब्राह्मण भक्त अतिथि पर कोई कुछ हथियार नहीं उठाएगा भगवान ने राजा को बांध दिया है राजा बद चुके हैं अन्यान्य पुराणों में बहुत सुंदर प्रसंग आता है जब भगवान ने सब कुछ उनका छीन लिया और उनको वरुणास्त्र से बांध दिया प्रल्लाद जी प्रकट हो जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं वाह रे प्रभु वाह मेरे पौत्र के पास से सब कुछ आपने छीन लिया प्रभु अब आपका वो अनन्य शरणागत हो जाएगा प्रभु आपकी लीला अनंत है कभी कभी भगवान वज्राद अपनी कठोरानी से कृपा करते हैं हमारे ऊपर वहा प्रभु आपकी कितनी कृपा है मेरे संतान पौत्र के पास से सब कुछ आपने छीन लिया और उसको आपने अपना अनन्य शरणागत बना दिया ये वज्रादपी कठोरानी है तात्पर्य नंबर प्रथम इस चरित्रक में जो अद्भुत अद्भुत तात्पर्य प्रथम तात्पर्य यह है कि भगवान कभी कभी वज्रात अपनी कठोरानी की कृपा करते हैं भगवान सब कुछ हमारा छीन लेते हैं ताकि हम संसार में किसी के ऊपर निर्भर न रहे हमारा अपना कहने किसी को नहीं रखते हैं हम अपना कह सके ऐसा एक भी पदार्थ घटना वस्तु या व्यक्ति नहीं रखती है भगवान सब कुछ छीन लेते हैं ताकि जीव पूर्ण रूप से मेरा आश्रय ग्रहण करे और तात्पर्य द्वितीय समझिए राजा का सर्वस्व चला गया और भगवान को समर्पित हो गए बलि राजा ने कहा प्रभु और एक तीसरा पांव आपको रखना एक जगह खाली है प्रभु कहते बताओ बलि कहाँ खाली है बलि राजा ने अपना मस्तिष्क भगवान के चरणों में रख दिया और बलि राजा कहते प्रभु कृपा करके आप अपना श्री चरण मेरे मस्तिष्क पर रख दीजिए वाह रे भगवु श्याम सुंदर तुम्हारी बलिहारी क्या है भगवान ने अपना चरण राजा के मस्तिष्क पर रखा है राजा का भगवान ने सब छीन लिया और अब भगवान का अनुग्रह देखिए भगवान राजा के बन गए राजा से भगवान ने सब छीन लिया अब राजा के भगवान राजा के बन गए बली राजा को पाताल का राज्य दिया और बली राजा के दरबान बनकर के भगवान खड़े हैं भगवान की महिमा देखिए, भगवान ने सर्वस्व लेकर भगवान उनके दास बन गए यहां पर माता रुक्मणी भी यही कहती है प्रभु हमने तो सर्वस्व तुम्हें अर्पण कर दिया और जैसे बलि ने सर्वस्व अर्पण कर दिया और आप बलि के हो गए थे हे नाथ मैंने अपना सर्वस्व तुम्हें अर्पण कर दिया है अब आप मेरे हो जाइए मेरा पानी ग्रहण कर लीजिए बहुत सुंदर संकेत दिया है माता रुकमणि ने यहां पर प्रभु बलि का सर्वस्व लेकर के बलि ने सर्वस्व अपना दे दिया और आप बलि के हो गए प्रभु मेरा जो कुछ भी था वो मैंने सर्वस्व आपको अर्पण कर दिया अब प्रभु आप मेरा पानी ग्रहण कीजिए आत्मार्पित आत्म अर्पित च देखिए परमात्मा को छोड़कर के अन्य कहीं पर भी हमने प्रीति की है तो वो कार्य बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है यहां पर भगवान ही स्वयं पूर्व पक्ष लेकर के और उत्तर पक्ष लेकर के उत्तर दे रहे रुक्मणी जी के हृदय में बैठ करके अर्थात बोल रही हैं माता रुक्मणी अब माता रुक्मणी ही पूर्व पक्ष एवं उत्तर पक्ष लेकर के बोल रही है भगवान कहते हैं तुमने हमारी कथा सुनी हमारा चरित्र की कथा सुनी और तुमने हमारे सब कुछ अर्पण कर दिया तुम हमसे प्रेम करती हो इसमें कारण क्या है तुम्हारे प्रेम करने का बली राजा को तो यहां कुछ भी नहीं चाहिए था फिर भी बली राजा ने सर्वस्व अर्पण कर दिया तुम अपना सर्वस्व अर्पण करके क्या चाहती हो क्या और तुम्हें सर्वस्व अर्पण कैसे कर रही हो तो माता रुक्मणी कहती है प्रभु मैंने सर्वस्व जो आपको अर्पण कर दिया उसमें मेरी बुद्धि ही कारण है बुद्धिमान संसार में वही है जो आपसे प्रेम करता है संसार में बुद्धिमान तो वही है जो भगवान से प्रेम करता है अब इसका विरुद्धार्थ समझ जाइए आप शास्त्र कहता है बुद्धिमान मनुष्य भगवान से प्रेम करते हैं और जो मूर्ख होता है वो संसार से प्रेम करता है संसार में दो ही चीज है आप जानते हैं एक जड़ है और दूसरा चेतन है और बुद्धिमान जो होता है पूरे एक संसार को एक एक घट एक के रूप में लिया जाए तो संसार जड़ है कैसे जड़ है संसार के सभी पदार्थ तो जड़ ही है और संसार के जो संबंधी आप कहते हैं अपने स्वजन आत्मीय जन प्रियजन बंधुजन मित्रजन वो सब भी कैसे है अरे उन्हीं का कुछ ठिकाना नहीं है देखिए जब व्यक्ति बीमार होता है तो आईसीयू में भर्ती कराया जाता है यदि हृदय का दर्दी है तो आईसीसीयू में भर्ती कराया जाता है और दर्दी को वेंटिलेटर पर रखा जाता है अभी तो कोरोना चल रहा है उसमें जब व्यक्ति को सांस की तकलीफ़ होती है तो उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है और जहाँ वेंटिलेटर बंद हुआ वो व्यक्ति का सांस चलना बंद हो जाता है तो संसार में जो आपको अपने संबंधी दिखाई दे रहे हैं अनेक संबंधी होंगे आपके मित्र जन से लेकर प्रियजन से लेकर जन से लेकर अनेक संबंधी जो मनुष्य आप देख रहे हैं संबंधों में प्रत्येक मनुष्य यहां वेंटिलेटर पर कार्य करता है वो कब बंद हो जाएगा उसका कोई भरोसा नहीं है ऐसी ये पूर्ण संसार है यहां एक ही निश्चित है कि यहां परिवर्तन निश्चित है बाकी सब कुछ अनिश्चित है यहां पर तो जब ऐसा संसार प्राप्त हुआ है मात्रास्पर्शास्त कौंत य शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाई नव नीत्या स्थान स्थिति क्षस्व भारत जब सब कुछ यहां अनिश्चित है तो बुद्धिमान मनुष्य कभी संसार से प्रेम नहीं करता है बुद्धिमान मनुष्य ये जो चला चलित संसार है उसके पीछे जो अचल भगवान है परम चैतन्य है उसे ब्रह्म कहिए परमात्मा कहिए या भगवान कहिए उसी से वह प्रेम करता है इसलिए मीराबाई का आप लोगों ने भजन सुना होगा मीराबाई की बात आप जानते हैं मारा मीराबाई तो बार बार यही कहती है वैसे वर को कौन वरे जो जन्मे अरु मर जाए ऐसे वर को कौन वरे जो जनमे मर जाए वर वरिये गोपाल जू जैसे चुडलो अमर हो जाए वर वरिये गोपाल जू जैसे चुड़लो अमर हो जाए ऐसे वर के साथ कौन ब्याह करेगा जो आज है कल मर जाएगा इसलिए रंगवदूत महाराज ने लिखा है मर्त्य सम्य सम मर्त्य नारी मन नागमे वारी मारी नार योग सम मंदरी वारी जाऊ तर्त्य नारी मन नागमे अरे जो उस नारी की मृत्यु होने वाली है उस नारी मुझे कतई पसंद नहीं है उसका अर्थ ही क्या है वो तो मूर्ख है जो उसके प्रति आकृष्ट होता है यहां पर नारी की अवगणना नहीं है अवहेलनानी है नारी के लिए नर है और नर के लिए नारी है मर्त्य नारी मन में वारी मारी नार महाराज कहते हमारी नार कौन है अरे हमारी पत्नी कौन है वैराग्य हमारी पत्नी है कैसे बोले वैराग्य का जितना हम भोग करेंगे वैराग्य दिन ब दिन वृद्धि उसमें वृद्धि होती है किसी शरीर का भोग करने से दिन ब दिन उस शरीर का हास होता जाता है जगत का कोई भी सौंदर्य होता है उसका धीरे धीरे हास होकर के पतन हो जाता है लेकिन ये वैराग्य हमारी पत्नी ऐसी है उसका जितना हम भोग करते हैं वैराग्य का जितना आलंबन करते हैं वैराग्य दिन ब दिन हमारा बढ़ता जाता है इसलिए तो वैराग्य हमारी नार है और वो कैसी है योग सुंदरी, अरे योग जो है वो हमारी सुंदरी है भक्ति योग ज्ञान योग कर्म योग यह हमारी सुंदरी है अरे उसको पर उस पर तो हम हम बलिहार हो चुके हैं योग सुंदरी वारी जाऊ तन्नाम पर उसके पर हम बलिहार हो चुके हैं उसका हमने वरण कर लिया है क्या अद्भुत सिद्धांत तो बता रहे हैं महात्मा लोग तो आत्मार्पित बुद्धिमान मनुष्य कभी संसार के जड़ पदार्थ से प्रेम नहीं करता है बुद्धिमान मनुष्य संसार के व्यक्तियों से प्रेम नहीं करता है बुद्धिमान मनुष्य केवल भगवान से प्रेम करता है बुद्धिमान की बुद्धिमत्ता वही है कि इस प्रपंच में अपने मन को न लगा करके भगवान के चरणार में अपने मन को लगाए देखिए जिसका चित्त संपत्ति पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति में लग चुका है उसकी बुद्धि जड़ हो जाती है आप स्वयं ऐसे व्यक्तियों का अवलोकन कीजिए हम तो कर रहे हैं किया है जिसकी बुद्धि से संसार में मिल गई अर्थात पद प्रतिष्ठा ख्याति विख्याति धन ऐश्वर्य उसमें जिसकी बुद्धि लग गई फिर वह बुद्धि जड़ बन जाती है वो बुद्धि सूक्ष्म नहीं बनती वो बुद्धि सदैव अशांत रहती है चंचल रहती है स्वार्थ परायण हो जाती है अरे ऐसी हो जाती है पिता पुत्र का नहीं रहता है पुत्र पिता की परवाह नहीं करता है स्वजन स्वजन की परवाह नहीं करता है बुद्धि जड़ होने से क्या दुर्दशा होता है उसका उदाहरण है देखिए मछली जो होती है वो कहाँ जीवित रहती है और कहाँ उसे आनंद आता है जहां पर गहरा पानी होता है वहीं पर मछली अधिकतर आनंद प्राप्त करती है जहाँ पानी में गहराई होती है तो मछली का जीवन ही जल होता है और मछली आनंद प्राप्त करती है गहरे जल में वैसे ही जैसे मछली का जीवन जल है वैसे इस जीव का जीवन भगवान ही है इस जीव का जीवन ईश्वर ही है केवल ये हम समझे या न समझे मनुष्य का जीवन केवल ईश्वर ही है जब मनुष्य के जीवन में ईश्वर नहीं रहेगा तो मनुष्य आनंदित नहीं रह पाएगा मनुष्य पल पल दुखी होगा हम जीवन में दुखी क्यों हैं? क्योंकि हमारे जीवन में पल पल हम केवल संसार ही चाहते हैं संसार के भोग चाहते हैं भगवान ही इस मनुष्य का जीवन है इसलिए भगवान ने पंद्रहवें अध्याय में कह दिया भगवान कहते हैं ये जीव मेरा अंश है ममई जीवलोके जीव लोके जीव भूत सनातन मनुष्य को ये मालूम हो या न हो जीव जाने या अनजाने जाने या ज्ञात तो हो या अज्ञात तो हो जाने या न जाने परमात्मा ही उसका एकमात्र जीवन है और उसको परमात्मा के नाम स्मरण में ही आनंद प्राप्त होता है जगत के भौतिक पदार्थ से उसे आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है कतई इसलिए हम सब लोग गाते हैं, बचपन से गाते हैं सुना है नाम संकीर्तन भी करते हैं भजन बिना सुख शांति नहीं भजन बिना सुख शांति नहीं हरी नाम बिना आनंद नहीं हरी नाम बिना आनंद नहीं सेवा धर्म बिना सेवा सत कर्म बिना धर्म नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं हरि नाम बिना आ सेवा धर्म बिना कर्म नहीं भगवान बिना कोई अपना नहीं भगवान बिना कोई अपना नहीं हरि भजन बिना सुख शांति नहीं हरी नाम बिना नहीं सेवा धर्म बिना सतकर्म नहीं भगवान बिना कोई अपना नहीं भगवान के बिना कोई अपना है ही नहीं हरि भजन के बिना कहीं सुख शांति नहीं है सेवा एवं धर्म के बिना दूसरा कोई सत्कर्म नहीं है तो ये मनुष्य जगत के जड़ पदार्थ से सुख लेना चाहता है शांति प्राप्त करना चाहता है इसलिए मनुष्य अधिकांश दुखी होता है इसलिए यहां पर माता रुक्मणी कहती है प्रभु हमने अपना आत्मार्पित कर दिया है हमने सर्वस्व आपकी चरण में अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया है अब देखिए माता रुक्मणी कहती है प्रभु हमारे हृदय में दूसरी कोई कामना नहीं है यहाँ पर एक सुंदर सिद्धांत है तत्वार्थ का महात्मा लोग समझाते हैं यदि हमारे हृदय में कोई कामना है भी तो चिंता मत कीजिए निष्काम होने का सर्वश्रेष्ठ सरल उपाय बताते हैं महात्मा लोग यदि हमारे हृदय में कोई कामना है तो भी चिंता मत कीजिए उस कामना को यदि हम भगवान की ओर बहा देते हैं तो हम निष्काम हो जाएंगे महात्मा लोग कहते हैं निष्कामता निष्काम होना अत्यंत कठिन होता है लेकिन जो भक्त होता है वो अपनी सब कामनाएं भगवान की ओर प्रवाहित कर देता है कामना हो तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं महात्मा लोग कहते हैं बस शर्त यही है कि आप अपनी कामना को संसार के सामने व्यक्त मत कीजिए आप अपनी कामना को केवल भगवान के सामने व्यक्त कीजिए अपने इष्ट के सामने अपनी कामना को व्यक्त कर दीजिए तो क्या होगा भगवान आपको निष्काम बना देंगे और संसार के सामने अपनी कामना को प्रकट करेंगे तो संसार आपके मन को दुख अशांति और क्लेश से भर देंगे देखिए हमारे में कामना है तो हमें संसार के सामने प्रकट प्रकट नहीं करना है हमें भगवान के सामने उसे प्रकट करना है निष्काम होने के लिए उदाहरण से समझे कोई स्त्री है वो अपने स्वामी के पास निष्काम होती है स्वामी के पास कुछ मांगती नहीं है और अपने पड़ोस में जो पुरुष रहता है उसके पास जाकर के हार मांगती है साड़ी मांगती है तो कैसी नार कहेंगे उसको आप कहेंगे महाराज वो तो व्यभिचारी नहीं नार है बस जब हम भगवान को छोड़ करके संसार के सामने कुछ मांगते हैं तो हम व्यभिचारी नार के जैसा कार्य कर रहे हैं अरे महात्मा लोग तो कह देते हैं अरे तुम गणिका के समान हो जाते हो तुम्हारे में यदि कामना है तो चिंता मत करो तुम भगवान के सामने निवेदित कर दो भगवान तुम्हें धीरे धीरे निष्काम बना देंगे लेकिन यदि भगवान को न कह करके भगवान के सामने आपने अपनी कामना को व्यक्त न करके संसार के सामने अपनी कामना को व्यक्त कर दिया तो संसार आपकी कामना आपको दुख अशांति क्लेश से भर देगा और आप व्यभिचारिणी हो जाएंगे उदाहरण से समझने का प्रयास करें दूसरे उदाहरण से कोई माता पिता का संतान है अब संतान माता पिता से कुछ मांगे नहीं और संतान बाहर में जाके दूसरे आदमियों से मांगे कि हमें ये ला दो हमें वो दे दो तो माता पिता को कितना दुख होगा ये माता पिता का अपमान हुआ कि नहीं हुआ माता पिता कहेंगे क्या हम असमर्थ है क्या हम क्या तुम्हें चाहते नहीं है क्या ये माता पिता का बहुत बड़ा अपमान हुआ जब संतान माता पिता से न चाह करके अन्य व्यक्ति से कुछ चाहता है तो तो भगवान भी यह कहते हैं अरे जीव यदि तुम्हारे में कामना है तो चिंता मत करो उस कामना को तुम हमारे सामने व्यक्त कर दो हम तुम्हें धीरे धीरे निष्काम बना देंगे इसलिए महात्माओं ने कह दिया तुम्हारे में कामना है तो चिंता मत करो जीव तुम भगवान को उस कामना का निवेदन कर दो आप संसार में कितने भी निष्कामता से रहिए एक रे एक दिन वो संसार आपके अंदर में कामना जगा करके ही रख देगा ये संसार का नियम है समझिए संसार ऐसा है कि हम संसार के साथ कितना भी निष्काम होकर के रहने का प्रयास करें लेकिन एक ने एक ने दिन वह संसार हमारे हृदय में कामना जगा ही देता है और भगवान के साथ हम कितनी भी कामना कामना से जुड़े लेकिन भगवान ऐसे अद्भुत है भगवान ऐसे निष्काम है कि एक न एक दिन हमारे में वो निष्कामता लाही देते हैं भगवान की भगवत्ता है समझिए इसलिए वो जीव अपनी कामना को तुम भगवान के सामने व्यक्त करो संसार के सामने कतई व्यक्त मत करो यह बहुत अद्भुत सिद्धांत समझ आया है यहां पर इसलिए माता रुक्मणी कहती है कि प्रभु इसलिए हमने तो हमारी सभी कामनाएं आपको अर्पण कर दी है हम आपको अर्पित हो चुके हैं आत्मा अर्पितश्च और हम आपको जो अर्पित हुए हैं उसमें कोई हमारा एहसान नहीं है प्रभु हम आपके थे और आपके ही रहेंगे आत्मा आत्मा को ही अर्पित हो चुका है उसमें कोई एहसान नहीं है देखिए संसार के अंदर में कोई आपके मन को नहीं चाहता है हम चिंतन कर चुके हैं उसका सं, संसार में आपके धन को चाहते हैं और आपके तन को चाहा जाता है संसार में आपके धन को कोई नहीं मन को कोई नहीं चाहता है संसार में आपके धन को चाहा जाता है आपके तन को चाहा जाता है इसलिए मन तो केवल माधव को देना है मन तो केवल श्याम सुंदर को देना है और तन देना है इस संसार में इसी सिद्धांत इस से भगवान श्री रामकृष्ण देव रामकृष्ण कथामृत में कहते हैं देखो संसार में कैसे रहना बड़े घर की दासी की भांति बड़े घर की दासी अपने सेठ के संतान को सेठ के पुत्र को बड़ा करती है और कहती है मेरा राम मेरा राम लेकिन भीतर ही भीतर वो जानती है ये मेरा राम नहीं है मेरा राम तो मेरा देश में पड़ा है ये इसकी विशेषता है इसलिए संसार आपके मन को नहीं चाहता है संसार आपके तन को एवं धन को चाहता है और हम समझते क्या है अरे संसार में हमारे मन की तो कोई कीमत ही नहीं करता है हमारे मन को ही कोई नहीं समझ पाता है अरे संसार को मन नहीं चाहिए आपका संसार को आपका धन चाहिए आपका तन चाहिए और भगवान को आपका धन नहीं चाहिए भगवान को आपका तन नहीं चाहिए भगवान को तो आपका केवल मन चाहिए भगवान कहते मुझे मन दे दो इसलिए संसार के अंदर में मन को लगाते नहीं है क्योंकि सुख प्राप्त करना है तो अल्पता में सुख नहीं है अनंतता में सुख है इसलिए श्रुति भगवती कहती है क्या कहती है मां श्रुति भगवती भूमा एव सुखम न अल्पे सुखम अस्थि अल्पता में कहीं आनंद नहीं है अनंतता में ही आनंद है इसलिए बुद्धिमान मनुष्य कभी भी अपने मन को संसार में लगाता नहीं है अब यहां पर माता रुक्मणी ही पक्ष एवं उत्तर पक्ष लेकर के और एक प्रश्न करती है असल में भगवान ही माता रुक्मणी के हृदय में बैठ करके बुला रहे हैं अब माता रुक्मणी प्रश्न करती है पूर्व पक्ष लेकर के ये सब हमारे चरणों में तुम्हारी प्रीति आई कैसे तुमने सब कुछ हमें आत्मसमर्पण किया कैसे किस सिद्धांत से तुमने ऐसा क्या किया जो तुम कहती हो कि हम तुमको सब कुछ समर्पण कर चुकी है ध्रुव जी ने तो बहुत बड़ी तपस्या की थी हमने उस सिद्धांत को देखा है तुमने क्या किया है अब माता रुक्मणी उसका अद्भुत उत्तर देते हुए कहती है कि प्रभु मैंने साधन किया है क्या साधन किया है आठ प्रकार के साधन बताए हैं और माता रुक्मणी कहती है प्रभु मैं इस जन्म से नहीं कर रही हूं मैं जन्मो जन्म से एक दो जन्म से नहीं जन्मो जन्म से प्रभु मैं वही आपके चरणों में मेरी मन की मति गति और रति बनी रहे जन्मो जन्म से इसलिए मैं ये सब साधन कर रही हूं आपका वरण करने के लिए आपका पानी ग्रहण करने के लिए हे नाथ मैं जन्मों जन्म से वो साधना कर रही हूं और क्या साधना कर रही है श्लोक में माता रुक्मणी बताते हैं विप्र गुरुवर्चना भगवान परेश क्या, क्या सुंदर कहा है पुरुतिष्ठ दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवर्चनादि गुरुवर्चना भगवान परेश आराधि तो यदि गदाग्रज एक मे नम घोष प्रभु मैं जन्मो जन्म से कर रही हूं आठ साधन बताए केवल आठ नहीं इसके बाद लिखा गया है आदि अर्थात इत्यादि एक्सेट्रा तो आठ प्रमुख साधन क्या बताती है कहती है पुर्ते मनी पुर्त करवाना इष्ट पुर्त करवाना अर्थात कुआं खुदवाना जलाशयों का निर्माण करवाना उसको कहते पूर्त कराना फिर कहती है इष्ट अर्थात यागादि कार्य किए हैं और यह सब मैं जन्म जन्मांतर से करके आ रही हूं पूर्तक कराना अर्थात कुआ यज्ञ यागादि करना फिर कहती है दत्त दत्त अर्थात दान देना इसी पर से दत्तात्रेय शब्द निकलता है दत्तात्रेय भगवान जो है उनका अर्थ यही है जिसने अपना सर्वस्व पर्थ के लिए सौंप दिया है वह है दत्तात्रेय दत्त भगवान भगवान दत्तात्रेय अत्रि ऋषि एवं मां अनसुया के पुत्र भागवत में कथा आती है उनकी तो दत्त अर्थात दान देना तत्पश्चात है नियम मैंने नियम रखे हैं जीवन में मैंने व्रत किया है आज से नहीं जन्म जन्मांतर से कर रही हूं फिर देव पूजन किया है फिर विप्र पूजन किया है और अंत में गुरु पूजन भी किया है इत्यादि आठ साधन हो गए गिन लीजिए पहला हुआ है प्रथम पूर्त करवाना, अर्थात कुएं खुदवाना द्वितीय है यज्ञ यागादि करवाना तृतीय है दान देना चतुर्थ है, नियम पालन करना पंचम है व्रत लेना, षष्ठम है देवपूजन सप्तम है विप्रपूजन अष्टम है गुरु पूजन आचार्य पूजन इत्यादि अब देखिए विष्णु पुराण के अंदर में प्रसंग आता है कोई दस कुआं खुदवाए तो उसको एक जलाशय खुदवाने का पुण्य मिलता है पहले तो ये सब इतनी सुविधाएँ नहीं थी और अभी भी परंपरा है पहले आज से 60, 70, 100 साल पहले लोग कुएँ खुदवाते थे ताकि वर्षा ऋतु में वो जल से भरा रहेगा बाद में वर्षा ऋतु के चले जाने के बाद लोग उसमें से जल पी सकते हैं और आज भी गांव में कुएँ मिलते हैं तो दस कुएं खुदवाने से एक जलाशय के निर्माण का, का पुण्य मिलता है क्यों ऐसा तो कुएं कुआं खुदवाने से अधिकांश मनुष्य ही उसमें से जल पी सकता है और कोई कोई पक्षी जल पी सकते हैं पशु जल नहीं पी सकते उसमें से और कुएं में से जल निकालने के लिए साधन होना चाहिए तभी उसमें से हम जल निकाल पाते हैं इसलिए कहते यदि आप दस कुएं खुदवाए उसकी जगह एक जलाशय खुदवा देते हैं तो जलाशय मनुष्य पशु पक्षी कीट सब लोग आसानी से जल को पी सकते हैं इसलिए दस कुएं खुदवाने बराबर एक जलाशय का निर्माण करने का पुण्य मिलता है और दस जलाशयों का निर्माण करने से उसकी जगह एक सुपुत्र चरित्रवान सुपात्र आचा, आचार्य आचरणनिष्ठ आचारनिष्ठ सतपुत्र को जन्म देने से फल मिलता है दस जलाशयों के निर्माण से एक सतपुत्र आचारनिष्ठ पुत्र को जन्म देने से दस जलाशयों का निर्माण का पुण्य मिलता है और ऐसे दस चरित्रवान सतपुत्र को जन्म देने से जो फल मिलता है वो केवल एक वृक्ष को लगाने से फल मिलता है इसलिए गुजरात में भी कहते हैं छोड़ मां रण छोड़ सबको पेड़ पौधा लगाने के लिए कहा जाता है क्यों उसका तो शास्त्र सम्मति भी है विष्णु पुराण से तो ये सब जो कर्म है जो भी हम सत्कर्म करते हैं सत्कर्म का अर्थ एक ही होता है सत्कर्म का एक ही फल होता है वो है हमारे अंतकरण की शुद्धि हम जो भी सत्कर्म करें चाहे कुआं खुदवाएं जलाशय का निर्माण करवाएं सतपुत्र को जन्म दे वृक्ष लगवाएं दान करें, यज्ञ आदि करे नियम ले व्रत ले ब्राह्मण पूजन करे देवताओं का पूजन करे गुरु पूजन करे सबका फल एक ही होता है अंतकरण की शुद्धि के लिए किया जाता है लेकिन लोग करते नहीं हैं अब लोग क्यों नहीं करते हैं और उसका गुणार्थ हम देखने का प्रयास करेंगे उसके पहले महाराज से नम्र निवेदन रहेगा प्रार्थना रहेगी एक भजन कृपा करके निवेदित करें अमने राखो सदा तव चरण अमने राखो सदा तव चरणे मधुमय कमल सरणे मधुमय कमल मधुमय कमल समातव चरणे अन राखो सदा सदात शरणे अमन राखो सदा तव अमति मिरे तव ते जय अमति मिरे तव ते जय અમરુધિરે તવ બલ પેટવ જે અમરુધિરે તબ બલ પેટવ જે અમંતર મા તવ પદ ધર જે અમ અંતર માં તબ પદ ધર જે અમને રાખો સદા તવ શરણે અમને રાખો સદા તવ શરણે मधुमय कमल समातव चरणे मधुमय कमल समातव चरणे अमने राखो सदा तव शरण अगाध ओ आकाश समातव, अगाध हो आकाश समातव, अमचेतन्य चैतन्य बनाव महारणव, अम् चैतन्य बनाम मनव आप सकल तव वैभव अमने आप सकल वैभव, अमने रखो सदा तव शरण अमने राखो सदा तव शरण मधुमय कमल समातव चरण मधुमय कमल मधुमय कमल समातव चरण अमने राखो सदा तव अमने राखो सदा तव शरण कृष्ण कन्हैया लाल कृष्ण कन्हैया जय, जय। देखिए हम जो भी कर्म करते हैं उसका प्रतिफल एक ही होता है और प्रतिफल होता है अंतकरण की शुद्धि चाहे वो आप कुआ खुदवाए जलाशयों का निर्माण करें, यज्ञ याग आदि करें, दान करें, देवताओं का पूजन करें, विप्रो का पूजन करें, गुरु का पूजन करें, व्रत करें या कुछ भी करें। सभी जो ये कर्म है उसका प्रतिफल अंतकरण की शुद्धि होती है लेकिन अधिकांश लोगों के अंदर में देखा जाता है कि वो इस सब कर्म तो कर रहे हैं दान भी दे रहे हैं कुएं भी खुदवा रहे हैं आजकल लोग कुएं नहीं खुदवाते कभी बावड़ी खुदवा दी बावड़ी की भी आजकल आवश्यकता नहीं होता है नहीं होती है चेक डेम कर करने के लिए कुछ श्रमदान दे दिया अर्थ का दान दे दिया दान भी लोग बहुत देते हैं लेकिन उनके जीवन में अंतकरण की शुद्धि नहीं आती है क्यों ऐसा होता है क्योंकि अंतकरण की शुद्धि के लिए दान नहीं दिया गया है मनुष्य दान देता है अपनी नामना कमाने के लिए अपनी वाहवाह कमाने के लिए मनुष्य दान देकर के अनेक लोगों को वो कहता है हमने इतना किया इतना किया मनुष्य को अहंकार ग्रसित कर लेता है ये अहंकार के पर भी महात्मा लोगों ने बहुत सुंदर समझाया है देखिए यदि कोई दान देता है तो वो अपने कल्याण के लिए ही तो दान देता है ना, अपनी उन्नति के लिए दान देता है अब उसमें दूसरे को बोलने की क्या आवश्यकता है यदि हम स्वयं के लिए भोजन करें और दूसरों को कहे बार बार जानते हैं आज हमने तो भोजन किया है जानते हैं हम आज हमने भोजन किया है उसका कोई मतलब हुआ ना क्या लोग क्या गिनेंगे मूर्ख गिनेंगे तो वैसे ही यदि हम तपस्या भी करते हैं तो तपस्या किसके लिए कर रहे है? क्या दूसरों के लिए कर रहे हैं क्या अरे तपस्या भी तो हमारे स्वयं के उत्थान के लिए ही है स्वयं की प्रगति के लिए कर रहे हैं अरे स्वयं की प्रगति के लिए हम नियम ले रहे हैं संध्या वंदन करते हैं स्वयं की प्रगति के लिए हमने नियम लिया है भगवान का नाम स्मरण किए बिना जल तक नहीं पिएंगे उठ करके स्वयं के नियम के लिए हम अनेकों व्रत करते हैं वो सब स्वयं के लिए करते दान देते हैं सेवा करते हैं सेवा भी क्यों करते हैं किसी की अरे स्वयं के उत्थान के लिए कर रहे हैं स्वयं के कल्याण के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं और जब हम ये नहीं जानते हैं हम अज्ञानता के अंदर में फिर उसकी डींगे हाँकना शुरू कर देते हैं जानते हमने कितनी सेवा की है जानते हमने कितना दान दिया है जानते हम कितनी तपस्या करते हैं आपको क्या मालूम संसार छोड़ करके आए हैं जैसे दूसरे के लिए संसार छोड़ करके आए हैं भाई स्वयं के लिए संसार छोड़ के आयो बाबा जी बने हो, स्वयं के लिए बने हो उसमें अहंकार करने की क्या बात है अज्ञान के कारण अहंकार कर रहे हो बुद्धिमान नहीं हो इसलिए अहंकार कर रहे हो स्वयं के लिए व्रत कर रहे हैं, स्वयं के लिए नियम ले रहे हैं, स्वयं के लिए तो ब्राह्मणों का पूजन कर रहे देवताओं का पूजन कर रहे हैं गुरु का पूजन कर रहे हैं विविध द्रव्यों से विविध चित्त वृत्तियों से अपने स्वयं के उत्थान के लिए ही तो हम सब कुछ कर रहे हैं अब फिर वहां से अहंकार लेने की बात कहां से आई ये समझ लीजिए श्रुति भगवती और महात्मा लोग हमें समझाते हुए कहते हैं मनुष्य जब अज्ञानी होता है तभी अपने किए हुए कोई भी सत्कर्म पर वो अहंकार करता है चाहे वो संसार छोड़ने का हो भगवान का नाम स्मरण करने का हो तपस्यामय जीवन व्यतीत करना हो या गेरुआ धारण करके मुंडन करा करके सेवा कर्म करने का हो या गृहस्थ में रह करके कोई दान देना हो या कोई नियम लेना हो कोई व्रत लेना हो देवताओं का पूजन करना हो ब्राह्मणों का पूजन करना हो या गुरु पूजन करना हो या यज्ञ यागादि करना हो या कुएं तालाब खुदवाना हो हम ये सब कुछ हमारे अज्ञान के वश करते हैं देखिए देवताओं का पूजन जो लिखा है देवताओं के पूजन के अंदर में स्रौत एवं स्मार्त कर्म दोनों आधा जाते हैं स्रौत कर्म वेद विहित कर्म होता है स्मार्त कर्म पुराण एवं स्मृतियों में जो वर्णन आता है उसके अनुसार होता है तो माता रुक्मणी कहती है मैंने स्रौत एवं स्मार्त कर्म दोनों का पालन किया है दोनों धर्म का पालन किया है और आज से नहीं जन्मों जन्म से कर रही हूं मैंने बावड़ियां खुदवाई सरोवर खुदवाए बावड़ियां कुएं खुदवाए हैं दान किया है नियम लिया है व्रत किए हैं देखिए जीवन में कोई ना कोई नियम लेना आवश्यक है जब हम नियम नहीं लेते हैं तो इंद्रियां विषयासक्त हो जाती है इंद्रियों का संयम नहीं रहता है इंद्रियां पवित्र होती है शुद्ध होती है संयम से इसलिए कोई ना कोई नियम लिया जाता है महात्मा लोग समझाते अधिक नियम लेने की भी आवश्यकता नहीं है नहीं तो व्यक्ति नियम से आबद्ध अधिक हो जाता है लेकिन जीवन में नियम लेना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि जब नियम लेंगे न तब क्या होगा हमारे मन के साथ युद्ध शुरू होगा पाँच छः दिन तो ठीक नियम से चलेगा सातवें आठवें दिन के बाद हमारा मन जो तूफानी घुड़ा के समान है वो मन कहेगा अरे अभी तक तो हमारे ऊपर कोई सवार नहीं था अब कोई सवार हमारे पर सवार हो गया है और हमें अंकुश में रखता है ए नियम व्रत उपवास इत्यादि हमारे मन को अंकुश में रखने के लिए हैं और नियम व्रत उपवास इत्यादि भगवान के चरण में हमारे मन में मति गति और रति रहे हमारे मन की हमारे मन में भगवान के चरणार बिंद में प्रीति जगे उसके लिए होता है जो भी सेवा कार्य हम करते हैं ओ केवल उसका उद्देश्य भगवान के चरणारविंद में प्रीति प्राप्त करने के लिए होता है धर्म सेपवर्ग से नाथोर्थयोपकल्पते नाथ से धर्म कांत कामो लाभायृता काम से लाभो जीवित यावता जीवस्त तत्विज्ञा नथो यश्चेह कर्म भी हमारे प्रत्येक शुभ कर्म का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है अंतकरण की पवित्रता प्राप्त करना अंतकरण को शुद्ध करने के लिए लेकिन लोग दान देते हैं कुएं खुदवाते हैं यज्ञ यागा करते हैं नियम लेते हैं व्रत लेते हैं अधिकांश लोगों में देखा जाता है कि अहंकार हो जाता है उनका अंतकरण शुद्ध नहीं होता है लोग महात्माओं की सेवा करते हैं महात्माओं के साथ रहते हैं तो महात्माओं के साथ रहते रहते देखा गया है कि महात्माओं की निंदा करना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि इनमें तो कुछ है ही नहीं ये तो हमारे जैसे ही है सामान्य कोई इसे कहते सामिप्य दोष देखिए कई लोगों के जीवन में देखा जाएगा महात्माओं के साथ रहते हैं लेकिन उनके जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है उनका अंतकरण कुछ पवित्र नहीं हुआ है क्यों तो देखिए महात्मा लोग संगति लगाते हुए कहते हैं, महात्मा के पास जो कोई भी आता है केवल भगवान में मन लगाने के लिए नहीं आता है अनेक लोग अनेक उद्देश्य से आते हैं और कई बार देखा जाता है महात्माओं की इतनी सेवा करने के बाद भी उसके मन पवित्र नहीं हुआ तो महात्माओं ने कह दिया चिंता मत करो इस जन्म में नहीं हुआ तो इस महात्माओं की जो सेवा की है महात्माओं का जो संग किया है परिणाम स्वरूप उसको आने वाले जन्म में भविष्य के जन्म के अंदर में उसको भगवान के चरणार में प्रीति हो जाएगी महात्मा लोगों ने संगति लगाते हुए कहा है महात्माओं की सेवा महात्माओं का संग कभी विफल नहीं जाता है तो माता रुक्मणी कहती है यहां पर मैंने ये सब साधन किया और यह सब साधन करने का उद्देश्य मेरा क्या था एकमात्र परमात्मा आपके चरणवार विंद के अंदर में प्रीति आप मेरा पाणी ग्रहण करे इसी के लिए ही मैंने ये सब किया है पूर्त करे किए इष्ट अर्थात यज्ञ आगादी किए नियम लिए व्रत लिए दान किए देवताओं का पूजन किया देखिए देवताओं का पूजन का भी बहुत सुंदर गुणार्थ होता है हमारे देवताओं को हमें स्वर्ग में बिठा करके नहीं रखना देवताएं तो हमारे एक एक अंग के अंदर में है हमने सांख्य पद्धति से जब सृष्टि तत्व का निर्माण देखा था तब बताया था कि हमारी प्रत्येक इंद्रिय के अंदर में देवताओं का वास है हमारे नेत्रों में सूर्य का वास है सूर्य भगवान का सूर्यो अजायत पुरुष शुक्त में आप लोग गाते हैं तो भगवान को हम सूर्य देवता को प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे नेत्रों का ऐसा तेज दीजिए कि हम सबके अंदर में हमारे श्याम सुंदर का दर्शन करें हाथ के देवता इंद्र है तो भगवान से इंद्र से प्रार्थना करते हैं जहां जहां सत्कर्म होता हो जहां जहां सेवा होती हो धर्म का अनुसरण होता हो ओ इंद्र देवता आप हमारे हाथ के देवता है कृपा करके आप अपने हाथ से उसके अंदर में कुछ सेवा कार्य कर दीजिए पाम के देवता विष्णु है हम भगवान से विष्णु भगवान से विष्णु देवता से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये पांव की गति हो तो केवल तुम्हारे तीर्थ में तुम्हारे दर्शन करने के लिए गति हो मन के देवता हैं चंद्रमा चंद्रमा को कहते हैं इसलिए माँ शारदा देवी ने भी मां को चंद्रमा से प्रार्थना की थी देखिए संगति लगती है माँ क्या कहती है कि चंदा चंदा माँ मामा तुम्हारे में भी कलंक है काला ढाग है लेकिन देखना मेरे जीवन में कोई कलंक न लगे क्योंकि चंद्रमा मन का देवता है चंद्रमा मनसो जायते ये देवताओं का पूजन हो गया देवताओं को हमें स्वर्ग में बिठा के नहीं रखना है देवता तो हमारी प्रत्येक इंद्रिय में है नासिका के देवता अश्विनी कुमार है उनसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ओ अश्विनी कुमार देवता हमें ऐसी शक्ति दीजिए हम जो भी ग्रहण ले वो केवल कृष्ण गंध का ग्रहण ले तो माता रुक्मणी कहती है कि हमने ये सब जो अनु आठ हमने साधन किए वो जन्मो जन्म से कर रहे हैं पुरतिष्ठ नियम व्रत भगवान गुरुवर्चना अब तो बहुत सुंदर कहा दूसरी पंक्ति देखिए आराधितो यदि गदाग्रजेत्य पाणी घृणा तो मे नम घोष समझिए यहां पर माता रुक्मणी कहती है मैंने इन सब से आराधना की है एक जन्म से नहीं जन्मो जन्म से और मेरा लक्ष्य केवल आपको प्राप्त करना है आराधितो यदि गदाग्रज यदि मैंने जन्मो जन्म से यही सब को लेकर के आपकी आराधना कर की है और आपको प्राप्त करने के लिए तो वो गद के अग्रज भगवान का विशेषण है गदाग्रज वो गद के अग्रज देखिए भगवान के अनुज थे उनका नाम था गद और भगवान उनके बड़े भाई थे अग्रज थे वसुदेव को देवकी के सिवा और उनकी छह पत्नियां थी देवकी की छह बहनें उनकी पत्नियां भी थी और उनको श्रीकृष्ण के बाद संताने हुई है महात्मा लोग ने सुंदर संगति लगाई है वैष्णव आचार्य संगति लगाते हुए कहते हैं अब भगवान श्रीकृष्ण का प्रगटीकरण हो गया और मथुरा पर भगवान का राज्य स्थापित हुआ तो क्या वसुदेव जी किसी भार्या के साथ संग करके क्या वंश निर्माण करेंगे अपनी संतति को जन्म देंगे बोले जीना भगवान का दर्शन हो गया उसके बाद संतति निर्माण का कार्य नहीं हो सकता है तो बोले फिर कैसे हुआ क्योंकि सुभद्रा जी भी भगवान से छोटी थी सुभद्रा जी भगवान की बहन तो बोले कैसे हुआ है तो वैष्णव आचार्य समझाते हैं कि भगवान को अपने वंश का विस्तार करना है यदुवंश का क्योंकि यदुवंशी कंस के समय में बहुत अल्प मात्रा में रह गए थे और वो जो रह गए थे वो भी छुप छुप करके रहते थे, थे कंस जरासंग शिशुपाल शाल्व इत्यादि के त्रास से जब भगवान ने मथुरा में कंस का उद्धार कर दिया और मथुरा पर यदुवंशियों का राज्य स्थापित किया तो यदुवंशी अत्यंत अल्प मात्रा में रह गए थे अब भगवान चाहते कि यदुवंश का विस्तार हो इसलिए भगवान वसुदेव जी के अंतकरण में बैठ करके इस यदुवंश का विस्तार करवा रहे हैं इसलिए यहां पर भगवान का एक विशेषण प्रयोग किया गया गदाग्रज वो गद के अग्रज भगवान के लिए विशेषण है गद के अग्रज तो मां माता रुक्मणी कहती है कि यदि मैंने जन्म जन्मांतर से ये सब साधना की केवल आपको प्राप्त करने के लिए और कोई उद्देश्य नहीं दान देने के पीछे मेरा कोई उद्देश्य नहीं था एक ही उद्देश्य था कि मैं आपके श्री चरण में शरणागत बन जाऊं नियम का भी वही उद्देश्य व्रत का भी देव पूजन का गुरु पूजन का सब आठों साधनों का लक्ष्य एक ही था आपका पानी ग्रहण करने का आपके शरणागत होने का आपके अर्धांगिनी बनने का और यदि मैंने ऐसा किया हो तो वो गद के अग्रज आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाणी घृणातुमे न दमघोष सुताद्य तो आप मेरा वरण कीजिए ना कि की घृणातु में न दमघोष दयोन्ये दमघोष सुत अर्थात दमघोष के पुत्र शिशुपाल जो है वो मेरा पाणी ग्रहण न करे वो मुझे स्पर्श तक न कर पाए दमघोष दयोन्ये आदि शिशुपाल आदि मुझे स्पर्श तक न कर सके मैंने ये सब किया हो जन्म जन्मांतर से केवल आप ही की प्राप्ति के लिए तो ओ प्रभु शिशुपाल आदि मेरा स्पर्श तक न कर सके अब देखिए माता रुक्मणी कौन सी दृष्टि से शिशुपाल शाल्व इत्यादि कामी राजाओं को देखती है माँ कहती है कि यदि प्रभु आपने यदि हमारा पानी ग्रहण नहीं किया ने तो कोई बात नहीं हम तो व्रत करके हमारे शरीर को सुखा देगी हम हमारे शरीर का त्याग कर देगी और शरीर का त्याग हो जाएगा फिर भी उसके बाद भी हमारे शरीर को ये कामी राजाए स्पर्श तक नहीं कर पाएंगे पूर्ण आत्मसमर्पण की बात कर रही है मां रुक्मणी जी यहां पर और यही बात करते करते माता रुक्मणी आगे के श्लोक में अद्भुत कहती है शोभा विमजी विदर्भान गुप्त समेत प्रतनापति परीत निरमत्य चैध्य मगेन्द्र बलम प्रसय माम्राक्षसेना विदिनो द्वाहबिर्यशुल माता रुक्मणी कहती हैं स्वभाविनी त्वम् जितो द्वाहने विदरभान गुप्तह समेत्य प्रतना भी ही भगवान कहते हैं अर्थात रुक्मणी माही पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष लेकर कहती है कि हम तुम्हें लेने के लिए आएंगे लेकिन तुम तो रहती हो अंतपुर के अंदर में हम आवेंगे कैसे इसलिए माता रुक्मणी कहती है देखिए हे नाथ उ मेरे स्वामी माता रुक्मणी को युद्ध विद्या का भी ज्ञान है उनके जो शत्रु है वो कितने बलशाली है कितने बलवान हैं उनका भी ज्ञान है इसलिए माता रुक्मणी कहती है कि प्रभु आप गुप्त रूप से आइए और अपने सेनापतियों को लेकर के आइए जब आप गुप्त रूप से अपने सेनापतियों को लेकर के आएंगे आकर के विदर्भ देश में आप आइए क्योंकि आपको मालूम नहीं है इम्ब शिशुपाल शाल्व एवं जरासंग की सेना समुद्र के समान है देखिए उस वक्त का सबसे बलशाली राजा जरासंग गिना जाता था और उसकी सेना बहुत बलशाली गिनी जाती थी तो प्रभु ऐसी बलशाली सैला का आपको सामना करना पड़ेगा और माता रुक्मणी यहां यह भी कह देती है कि जब समुद्र मंथन हुआ तब समुद्र मंथन में से पहले विष निकला और तत्पश्चात एक एक रत्न निकले और माता लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ है भागवत में आता है यह प्रसंग समुद्र मंथन का तो समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला है तो जब विष निकला तो वो शिव जी ने पी लिया तो यहाँ पर भी जब आप इनकी जरासंग शिशुपाल शाल्व इत्यादि असुरों की सेनाओं को मंथन करेंगे और जब आप इन कामी राजाओं के बीच में से मेरा अपहरण करके ले जाएंगे शौर्य के समान वीर के समान तो प्रभु पहले तो विष ही निकलेगा मंत्र में भी पहले विष निकला था तो उस वक्त तो शिवजी ने पान कर लिया था विष का इस बार कौन तो विष पान करेगा और विष क्या है इस बार मेरा बड़ा भाई रुकम ही विष के समान है क्योंकि वो मुझे शिशुपाल से ब्याह देना चाहता है तो उस समय तो शिव जी ने पान कर लिया तो इस समय भी चिंता मत कीजिए इस बार शंकरण जी शिव बनकर के ही उस विष का पान कर लेंगे और युवा हुआ भी यूं ही है जरासंग शिशुपाल शालवा आदि की सेना के साथ तो बलभद्र जी लड़ लिए और उन सब को मार के भगा दिए राजा लोग पूछ दबा करके भागे हैं जरासंग ने तो कह दिया आएगा अरे कन्ह कृष्ण अकेला आता तो मैं उसको निपट लेता इस साथ में बलभद्र जी आ गए ना बल उसका बड़ा भाई आया इसलिए हम उसकी सेना को परास्त नहीं कर पाए असुर कैसे किसको कहते इसको असुर कहते हैं इस जरासंग को भगवान ने सत्रह बार पराजित किया है और एक ही बार भगवान उसका आक्रमण उसने जब किया तब भागे उसको सत्रह बार का पराजय याद नहीं है एक बार भगवान जानबूझ करके भाग गए वो याद रखता है तो जरासंग कहता है कि ये उसका बड़ा भैया के साथ आया इसलिए इस बार परास्त नहीं कर पाया और तुम चिंता मत करो तुम मुझे देखो मैंने सत्रह बार में उससे पराजित हुआ था फिर भी मैंने हार मानी नहीं तुम चिंता मत करो तुम हार मत मानो हम और एक बार आक्रमण करेंगे असुर जो ठहरे तो तात्पर्य समझी इस घटना का यहां पर माता रुक्मणी ने पहले ही कह दिया चिंता मत कीजिए इस बार संकर्षण जी अर्थात दाऊजी ही विष पान करेंगे और विष क्या पान करेंगे रुक्मी को मार दिया देखिए जब राजाओं के सामने से भगवान ने माता रुक्मणी का हरण कर लिया और भगवान जा रहे हैं। माता रुक्मणी को लेकर अब रुक्मी से रहा नहीं गा रुक्मी भगवान का पीछा करते हैं हमने वो प्रसंग देखा या परसों हमें स्मरण नहीं है और जब रुक्मि ने पीछा किया तो भगवान ने क्या किया रुक्मी का आधामुंडन कर दिया आधी मुछ कर दी और उसको रथ के साथ बांध करके भगवान घसीट रहे हैं रुक्मण जी एक शब्द तक नहीं कहती है कि मेरे भाई के साथ क्यों ऐसा व्यवहार कर रहे और उतने में संकर्षण जी आते हैं दाऊजी आते हैं और दाऊजी ने भगवान को ठपका दिया है थोड़ा मीठी डांट लगाई है अरे साले के साथ कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या अरे वो तुम्हारा साला है क तुम क्या कर रहे हो छोड़ो इसको और दाऊ जी ने रुक्मी को छुड़वाया है अब देखिए दाऊजी भगवान की लीला में बीच में आ गए अब यही दाऊ जी जब उनके पुत्रों के पुत्रों का ब्याह दाऊ रुक्मी के पुत्र माने लड़कियों के साथ या उनकी लड़कियों का ब्याह रुक्मी के पुत्रों के साथ होता है तब यही दाऊजी क्रोधित होकर के रुक्मि का वध कर देते हैं दाऊ जी ने ही वो विषपान कर दिया दाऊ जी ने ही रुकमी को छुड़वाया रुक्मी अर्थात विष है और रुक्मी का उद्धार कर दिया वो भी दाऊ जी ने ही कर दिया बाद में। इसके दोनों संगति लगती है भगवान के कार्य में वो बीच में पड़े इसलिए बाद में वही कार्य उनको ही करना पड़ा और भगवान साले को मार देते तो भगवान पर कहा कलंक लगता अरे भाई अपने साले को मार दिया तुमने तो कहती है रुक्मणी जी क्या आप चिंता मत कीजिए वो विषपान भी संकर्षी कर जी, जी करने वाले हैं जब समुद्र मंथन के समय विषपान शिव जी ने किया था तो इस बार भी जी ही वो विषपान करने वाले हैं इसलिए माता रुक्मणी जी कहती है स्वभाव गुप्त रूप से आइए समेत्य प्रतनापति भी परीत अपने सेनापतियों को लेकर आइए साथ में सेना को लेकर आने की बात नहीं कही है सेनापतियों को साथ में लेकर के आइए प्रभु ताकि आप अपने आप को पर सुरक्षित रख सके और माता ने बहुत सुंदर यहां पर बात की आगे वाले श्लोक में वो संगति लगती है माता रुक्मणि ने कहा कि देखिए आप सेनापतियों को लेकर के आइए गुप्त रूप से क्यों कहा क्योंकि यदि आप मनी प्रकट रूप से आ गए और कहीं पहले युद्ध हो गया शिशुपाल सालवा और जरासंग के साथ तो प्रभु मैं मैं चाहती नहीं हूं कभी आपका पहला युद्ध हो पहले आप मुझे वर्ण कर लीजिए मैं आपका वर्ण कर लू मैं आपके चरणाश्रित तो हो जाओ फिर प्रभु आप युद्ध कीजिए क्योंकि प्रभु आप तो अजीत है आने वाला ही श्लोक उसमें पहला संबोधन ही भगवान को किया है अजीत प्रभु बाद में आप युद्ध कीजिए ना जितना करना है लेकिन पहले आप युद्ध करेंगे तो हम तो जीवित नहीं रह पाएंगे प्रभु हमसे देखा नहीं जाएगा क्योंकि तब हम आपने हमारा पानी ग्रहण नहीं किया है और प्रभु जीत तो आपकी ही होने वाली है लेकिन हम चाहे तो नहीं है कि प्रभु हम शरणागत हुए आपके उसके पहले युद्ध आरंभ हो जाए हम आपके शरणागत होकर के युद्ध हो वह चाहते हैं साधक चाहता है कि प्रभु हम आपके शरणागत हो जाए तत्पश्चात काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य के साथ हम युद्ध करें और वो कौन से घर के अंदर में इस शरीर रूपी विदर्भ नगर ही के अंदर में प्रभु आप तत्पश्चात इन असुरों के साथ युद्ध कीजिए इसलिए प्रभु आप पहले गुप्त रूप से आइए इसलिए भगवान गुप्त रूप से आते हैं युद्ध करने के लिए शरीर रूपी विदर्भ नगरी में कैसे आते हैं गुप्त रूप से भगवान पहले अपनी कथा के रूप में हमारे हृदय में प्रवेश हो जाते हैं प्रविष्ट कर्ण रेण स्वानाम बाब सरोम दुनोती सबलम कृष्ण सलील यथा शरत भगवान अब गुप्त रूप से कथा के रूप में आ गए अब प्रकट रूप से इस जीव का अपहरण करने वाले हैं उनके साथ पानी ग्रहण करने के लिए अब कैसे करते हैं वो कल सत्संग में देखेंगे आज उन्हीं के लीला उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए प्रभु गुप्त रूप से आइए और इस विदर्भ नगरी के अंदर में काम क्रोध लोभ मोह मद एवं मात्सर्य रूपी जो असुर है उनके साथ युद्ध कीजिए हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे कृष्ण गनैया ला लाल की जय भक्त वत्सल भगवान की जय वृंदावन विहारी लाल की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय ओम नमः पार्व पदय हर हर महादेव हर